ये रील्स ये वीडियोज आपके जैसे ही बच्चों के हैं, एज ए स्टूडेंट एज ए पेरेंट्स आपके लिए काफ़ी काम की ये वीडियो होने वाली है। ऐसे प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक हर पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। समय रहते हुए अगर हम संभल गए, अगर हमने ध्यान दे दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे पास रोने के पछताने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। सबसे पहले एक क्लिप आप देख लीजिए, ये स्क्रीन पे ये छोटी सी बच्ची की है। इस बच्ची की एज लगभग लगभग 7-8 या मैक्सिमम 9-10 ईयर्स से ज़्यादा शायद ये बच्ची नहीं होगी। अभी पीछे करवा चौथ के उपलक्ष में, करवा चौथ के आसपास में मेरे पास ये वीडियो आई जिसमें ये छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं सिंदूर भर के सिंदूर लगा रही है, बिंदी लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है। हो सकता है क्लिप्स आपके आसपास पड़ोस की किसी की हो। जब ये छोटी सी बच्ची रील बना रही थी तो मैं आप लोगों से ही पूछना जानना चाहता हूँ कि क्या इस बच्ची के साथ इसके फैमिली वाले नहीं जुड़े होंगे, क्या इसके रिलेटिव्स नहीं जुड़े होंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे? क्या ऐसी रील बनाते हुए इस लड़की को इसके घर वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने नहीं देखा या नहीं टोका होगा? इतनी छोटी सी बच्ची करवा चौथ की एक्टिंग यानी कि पूरा फुल जैसे रील बनाने के लिए, क्या ये सही था? अच्छा, एक और वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, एक बार इसे देख लो। इसमें एक लड़का और एक लड़की जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं और ये जहाँ तक है कि घर से स्कूल के लिए गए हैं, स्कूल ना जा कर के ये बंक करने चले गए, स्कूल नहीं गए और अपना जो लड़का लड़की है वो घूम रहे हैं। और किस तरह से देखो, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों को रोना ना पड़े, आप लोगों को पछताना ना पड़े, क्योंकि इस छोटी सी एज में स्टूडेंट को, बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, सही गलत का फर्क नहीं होता। अब एक और क्लिप देखो, इसमें ये दो बच्चे जो कि स्कूल के लिए जाते हैं घर से और इनके पास ये जो बैग है स्कूल बैग, इसे ये फेंक रहे हैं, लात मार रहे हैं इधर उधर। अब आप बताइए, घर से पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे स्कूल चले गए, अब बच्चे क्या कर रहे हैं ये पेरेंट्स को नहीं पता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के जब बच्चे हमारे सामने इंस्टाग्राम पे आते हैं तो इन पे जो कमेंट्स होते हैं ना, इनके लाइक्स होते हैं। देखिए, मैं सब कुछ गलती बच्चों की नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो ये वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर किए ना, इन वीडियोज़ पे इतने सारे लाइक्स थे। अब समझ मेरे ये नहीं आया, इस लड़की की गलती तो जो है वो है, इसके घर वालों की या जो बाकी दो और वीडियोज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनके घर वालों की जो कमी है वो तो है, लेकिन इन लोगों को बढ़ावा देने में आप सभी लोगों का भी तो बड़ा हाथ है ना। मतलब यार, 500 यानी कि 500,000, 600,000 तो लाइक आ रखे हैं। अब यार, ऐसे वीडियोस में अगर लाइक आएंगे तो इनको बढ़ावा मिलेगा, ऑब्वियसली जब इनको बढ़ावा मिलेगा तो इनको अच्छा लगेगा और ये और भी इसी तरह की वीडियोस बनाएंगे, इससे और गंदी गंदी भी वीडियोस आपके सामने आएगी। तो आपका भी पूरा रोल है इसे इस तरह के बच्चों को बिगाड़ने में। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे, हरकतों पे नज़र रखिए। हो सकता है ये वीडियोस आपके घर की हों, आपकी हों या आपकी बने ना हों, लेकिन आप से रिलेट करती हों, आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही मैं भी कर रही हूँ, कुछ ऐसा ही मेरा भी हाल है, मैं भी कर रहा हूँ। तो एज ए स्टूडेंट प्लीज़ आप
स्टॉप कर लीजिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की इन आदतों पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स जब हमें पीटीएम वगैरह पे मिलते हैं, उन्हें हम जब कहते हैं कि भाई आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये क्यों नहीं पढ़ रही है, ये क्या कर रही है, इसे क्या काम करवाया जा रहा है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो पेरेंट्स का एक आंसर होता है कि सर हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें नहीं पता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चे को कैसे पढ़ना है। और दूसरे टाइप के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका एक ही लॉजिक होता है कि हमारा बच्चा ट्यूशन जा रहा है, मेरी बेटी लगातार ट्यूशन इन इन सब्जेक्ट की पढ़ रही है। अब आप बताइए, पेरेंट्स तो टेंशन फ्री हो गए कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, इधर पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं टेंशन फ्री है। पेरेंट्स को लगता है कि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा ली। भाई साहब, आप ट्यूशन भेज रहे हैं ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बच्चे ट्यूशन जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बच्चे ट्यूशन तो जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ट्यूशन सेंटर, मैं माफ़ी चाहूँगा, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक हमने ऐसे भी देखे हैं, ट्यूशन सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ आपस में गप्पे मार करके एक दो घंटा गुजार के आ रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है फीस भी दे रहे हैं। जब ट्यूशन वाले टीचर्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं आपका बच्चा बहुत गजब है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो उन्हें भी लगता है कि अच्छा पढ़ रहा है, क्योंकि उनके तो पैसे बन रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो आप उसका वहाँ से ट्यूशन हटवा के कहीं और लगवा दोगे, तो ट्यूशन वाला क्यों कहेगा कि आपका बच्चा बेकार है। प्लीज़, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर, हरकतों पर ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, और अगर आपकी नज़र में आता है तो इन्हें रोकिए। अभी छोटी एज है, रुकेंगे, और जब ये आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। प्लीज़, मुझे पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के वीडियोज़ को लाइक ना करें, बल्कि डिसलाइक करें। ऐसी वीडियोस को शेयरिंग ना करें, बल्कि रिपोर्ट करें, ताकि इन बच्चों की जो हरकतें हैं वो रुकेगी और बाकी बच्चे इससे प्रभावित ना हो और उन्हें पता लगेगा कि ऐसा करना गलत है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह से आपको मैं लगातार मोटिवेट करता रहता हूँ। सारी एजुकेशनल अपडेट हमारे चैनल पर आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल बटन दबाकर, और यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, हर एक बच्चे तक, हर एक पेरेंट्स तक, हर एक टीचर तक पहुँचे, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। धन्यवाद।